Welcome back to my channel. So this is Shreya and I am back with a new video. So in this video we are going to discuss finite and non-finite verbs. So first of all let's discuss that what are these finite and non-finite verbs. So here finite and non-finite verbs ki baat ho rahi hai, to ye bhi ek type ki verbs hote hain. So finite verbs kya hote hain? Verbs that change according to the tense. Kuch aise verbs. Verbs matlab koi bhi kaam hum kar rahe hain to us जिस भी सेंटेंस में हम किसी काम वाले वर्ड को अप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. तो जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स. फॉर एग्जांपल आई लिव इन पानीपत. दिस इज अ सेंटेंस. अब यहाँ पे वर्ब के रखे हुए हैं. यहाँ पे वर्ब के मैंने लिव. लिव इज इन वर्ब राइट. सो आई लिव इन पानीपत. अभी इस वर्ब को हम चेंज करेंगे. अगर हम इसमें टेंस चेंज करते हैं, इस सेंटेंस का टेंस अभी है सिंपल प्रेजेंट टेंस. दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट. तो अगर हम इसे पास्ट में चेंज कर दें, सो पास्ट टेंस में अगर हम इसे चेंज कर देंगे तो आई का आई रहेगा, लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड हो जाएगा. आई लिव्ड इन पानीपत. सो हियर हमने क्या किया, इस सेंटेंस का क्या कर दिया? टेंस चेंज कर दिया. सो वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस. सो पूरे सेंटेंस में कहीं और फर्क नहीं पड़ा, बट फर्क कहाँ पड़ा? वर्ब पे. वर्ब यहाँ पे लिव से क्या हो गई? लिव्ड हो गई. नाउ अगेन हम इसे चेंज कर दें तो अब हम इस सेंटेंस को चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो ये क्या हो जाएगा? आई एम लिविंग इन पानीपत. सो नाउ अगेन वन चेंज फॉर हियर. यहाँ पे क्या हो गया? लिव. लिव का हो गया लिविंग. सो हियर यू कैन सी अब हम यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें हम टेंस चेंज कर रहे हैं तो उसके वर्ब पे क्या पड़ रहा है? वर्ब उसकी चेंज हो जा रही है. सो सेम एज इट इज फाइनाइट वर्ब भी यही होती है. इसमें जो लिव है ये कौन सा वर्ब है आपसे पूछा जाए तो दिस इज फाइनाइट वर्ब. व्हाई इट इज फाइनाइट वर्ब? बिकॉज इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस. हम इसको टेंस चेंज कर रहे हैं सेंटेंस का तो ये वर्ब भी क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है. नाउ लेट्स कम टू द नॉन फाइनाइट वर्ब्स. सो हियर नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स जो चेंज नहीं होती हैं. फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? जो चेंज हो जाती हैं टेंस के अकॉर्डिंग, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी चेंज नहीं होती हैं. लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल्स. ही वेंट टू गेट हिज बुक. वो गया अपनी बुक लेने के लिए. सो यहाँ पे वर्ब क्या गिवन है? यहाँ पे टू गेट, बिकॉज यहाँ पे ही सब्जेक्ट है. वेंट, वेंट भी एक वर्ब होगी लेकिन ये वेंट जो वर्ब होगी ये चेंज हो जाएगी. इसमें दो टाइप्स की वर्ब आप देख सकते हो. टू गेट हिज बुक. हिज बुक क्या होगी? उसकी ऑब्जेक्ट. वो बुक किसकी है? उसकी है. तो ये एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. सो अब यहाँ पे दो वर्ब्स दिख रही हैं. एक है वेंट, जाना भी एक वर्ब हो गया. टू गेट भी एक वर्ब हो गया. तो अभी जो दोनों वर्ब है ये दो टाइप्स की. जो फर्स्ट वाली वर्ब है ये है फाइनाइट वर्ब, मीन्स ये चेंज हो जाएगी. लेकिन जो टू गेट है ये होगी नॉन फाइनाइट. आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कुछ टाइप होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स को फाइंड करने में. सो नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू अनदर टेंस. अब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो टेंस अप्लाई हो रहा है वो है पास्ट. ये सेंटेंस अभी पास्ट में है. मैं इसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर दूँ, लेट्स चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग. कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इसका यूज करते हैं एंड वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं. तो यहाँ पे वेंट था तो ये पास्ट में था, गो की सेकेंड फॉर्म थी. नाउ जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसमें गो का गो ही रहेगा, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा. तो हियर यू कैन सी जो पहली वर्ब थी हमारी वो चेंज हो गई, वेंट से गोइंग हो गई. ही इज गोइंग टू गेट हिज बुक. बट जो यहाँ पे सेकेंड वर्ब थी क्या थी? टू गेट. वो चेंज नहीं हुई. यहाँ पे वेंट का गोइंग हो गया लेकिन टू गेट ऐसे का ऐसा ही रहेगा. यहाँ पे हम कितना भी कुछ भी चेंज कर लें, ही का आई बना दें, शी बना दें, वी बना दें. सो यहाँ पे जो वर्ब होगी ये चेंज नहीं होने वाली है. नाउ लेट्स डिस्कस दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर देयर. सो नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन फाइनाइट वर्ब्स कुछ इस टाइप से हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप्स कैसे हो गए. पहले जो होती थी वो सारी वर्ब्स कैसी होती थी? फाइनाइट होती थी. जस्ट लेट्स सपोज कि पहले जो होती थी वो सारी वर्ब्स किस टाइप की होती थी? फाइनाइट वर्ब्स होती थी जो हमेशा चेंज हो जाया करती थी. बट देयर वॉज अ स्पेशल ग्रामेटिशियन, उसने क्या किया, पहले कुछ फाइनाइट वर्ब्स उठाई और एक जगह उन फाइनाइट वर्ब के साथ ऐड कर दिया टू, टू प्लस वन. सो ये बन गया हमारा एक पहला ग्रुप. देन उसमें से और कुछ वर्ब्स ली और उसमें क्या ऐड कर दिया? आई एन जी. तो ये एक और हमारी वर्ब बन गई, आई एन जी प्लस वर्ब. देन वो यहाँ पे भी नहीं रुका, उसने फिर से थोड़ी सी और वर्ब्स दी और उसमें क्या कर दिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई एन जी. एक और इनका ग्रुप रेडी कर दिया. अब यहाँ पे ये जो तीन चीज़ें हमारे पास आ गई इस फाइनाइट वर्ब से थोड़ा थोड़ा ले लेके
उसने तीन ग्रुप्स बना दिए। ये तीनों ग्रुप्स क्या थे? ये थे नॉन फाइनाइट के टाइप्स। सो जो पहला टाइप था, ये पहला टाइप हो गया, दूसरा ये तीसरा। सो जो फर्स्ट टाइप था जिसमें वर्ब के साथ हम टू जोड़ रहे थे, जो हमने अभी एग्जांपल लिया टू गेट, तो वो जो वर्ब था उस वर्ब के साथ क्या ऐड हुआ था वहाँ पे? टू ऐड हुआ था, टू गेट। तो वो क्या था? एक नॉन फाइनाइट वर्ब था। तो मतलब कोई भी ऐसे वर्ब जिसमें क्या ऐड हो जाता है? टू ऐड हो जाता है। किसी भी आपको सेंटेंस में वर्ब के साथ टू दिख रहा है तो वो नॉन फाइनाइट होगी। सो अब इसका भी एक नाम होता है, इसका नाम होता है इन्फिनिट, इसका नाम होता है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? नॉन फाइनाइट का पहला टाइप होता है इन्फिनिटिव वर्ब, जिसमें वर्ब के साथ टू ऐड हो जाता है। नेक्स्ट, जिसमें आईएनजी ऐड हो जाता है, इसका नाम हमने रख दिया जेरेंड्स। जेरेंड्स ऐसी वर्ब की फॉर्म, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स हैं ये दोनों। तो जेरेंड्स ऐसी टाइप होती है जिसमें वर्ब के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं? आईएनजी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट द लास्ट वन इज पार्टिसिपल, इसका नेम रखा गया पार्टिसिपल। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब की थर्ड टाइप हो गया। इन्फिनिटिव में क्या होता है? वर्ब के साथ टू लग जाएगा, कुछ हम एग्जांपल्स देख लेंगे। नेक्स्ट जेरेंड्स में आईएनजी लग जाएगा, एंड पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। सो दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नाउ लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो यहां पे फोर एग्जांपल्स आर देयर। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज आई आस्क्ड हर टू कम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें वर्ब फाइंड आउट करेंगे, then I will tell you that which kind of verb is it. So I asked her to come. So यहाँ पे एक verb आती है ask, next verb आती है to come. So here you can see to come लगा है, come के साथ to लगा है। तो just हमने अभी discuss किया कि जिसमें to लग जाता है वो होती है infinitive verb, और किसका type होता है वो non finite verbs का। तो ये तो आपको आता है to come क्या हो जाएगा हमारा non finite verb, जबकि ये ask क्या होगा हमारा finite verb हो जाएगा। कैसे होगा इसको change करके देखते हैं। So I asked her to come. अब यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना लेते हैं। सो क्या हो जाएगा? आई एम आस्किंग। सो यहाँ पे आस्क का क्या हो गया? आस्किंग हो गया। मतलब ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट नहीं है। आई एम आस्किंग हर टू कम। यहाँ पे भी ये जो दूसरी वाली वर्ब है एकदम एज इट इज रहेगी, लेकिन जो पहली वर्ब थी वो कैसे हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसके थ्रू यू कैन फाइंड आउट दैट विच काइंड ऑफ वर्ब इज इट। एंड अब ये कौन से टाइप की वाली वर्ब है? इसके साथ टू लगा है तो ये होगी इन्फिनेटिव टाइप। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव गिवन, आई वांटेड टू प्ले। सो यहाँ पे एक वांटेड है वर्ब, एक टू प्ले है। सो हियर यू कैन सी प्ले के साथ टू जुड़ा है तो ऑफकोर्स नॉन फाइनाइट होगी और इन्फिनेटिव टाइप। लेकिन जो फर्स्ट वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी? फाइनाइट वर्ब होगी, जो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द टेंस। नाउ द थर्ड सेंटेंस वी हैव गिवन, डांसिंग इज माई हॉबी। सो यहाँ पे एक ही वर्ब है डांसिंग, जो यहाँ पे सब्जेक्ट के थ्रू सब्जेक्ट की टाइप से यूज हुई है। सो ये यहाँ पे जो डांसिंग है इसके साथ क्या लगा है? आईएनजी लगा है, तो ये हो गया हमारा जेरेंड टाइप। एंड जेरेंड किसका टाइप है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। सो आई होप यू आर गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेशन। सो डांसिंग ये चेंज नहीं होने वाली है अगर इसमें कोई टेंस चेंज कर दे तो। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पे वॉज लगा देंगे, बन गया पास्ट। डांसिंग वॉज माई हॉबी हो जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट हियर। नाउ द लास्ट वन, आई एम टायर्ड। सो इसमें क्या लगा है? ना आई एन जी है, ना टू प्ले है, तो ना तो ये फाइनाइट वर्ब तो ये नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे टायर चेंज नहीं होगा। टायर्ड जो होगा वो चेंज नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? लेट मी डिस्कस अबाउट इट। सो यहाँ पे ये जो है ये इन्फिनेटिव टाइप नहीं है, क्योंकि इसके साथ टू नहीं लगा। नेक्स्ट जेरेंड टाइप भी नहीं है, क्योंकि आई एन जी नहीं लगा। तो यहाँ पे ये जो टायर्ड है किसकी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म भी होती है, बट देयर इज आल्सो थर्ड फॉर्म। सो थर्ड फॉर्म किसमें आती है? पार्टिसिपल वाले टाइप में। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने अभी डिस्कस किया था थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ आएगी वो कौन सा टाइप होगा? पार्टिसिपल टाइप, जो चेंज नहीं होगा। आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ। अगर मैं इसको पास्ट में बता दूँ, मैं थकी हुई थी। सो यहाँ पे एम की प्लेस पे आ जाएगा वॉज, आई वॉज टायर्ड। तो आई वॉज टायर्ड ही रहने वाला है यहाँ पे, ये चेंज नहीं होगा, जबकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। सो ये कौन सा टाइप हो गया? पार्टिसिपल टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट हियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो, इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज इफ यू हैव नॉट येट।